हमारा खाना का व्यूज देखिए, ये रहा कचौड़ी, ये रहा पनीर का सब्जी। खाते हैं, खा करके टेस्ट बताते हैं आपको कैसा लगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। आज का वीडियो हम आप लोगों को एक रेसिपी से चालू करते हैं, दिखाते हैं हम लोग का रेसिपी में क्या खाना में क्या बनाते हैं। आप लोगों को सिर्फ इसमें सिर्फ खाना का दिखाया जाएगा। आप लोग देखें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ देखें ज़रूर। ये दोस्तों बना रहे हैं पूरी पनीर का सब्जी। मम्मी पीस रही है मसाला। माँ कुछ बोले के बा दिक्कत हो गया। ये डाला जा रहा है मसाला। इसमें काजू, जीरा, गोलकी, सौंफ, लहसुन, ये सब डाला गया है। देखिए अब ब्राउन हो गया है प्याज। इसमें डाला जा रहा है मसाला, थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसाला जलेगा नहीं। देखिए तेल लगा दिया गया है मैदा में, और इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो मैंने कड़ा वाला ये देखिए, अरे वो मैं गिरा दी दूध हवा में, छीना छीनी का ये है मसाला। ए काहे बोला था ये गुरा मसाला, ये हमारा गुरा मसाला डाला जा रहा है कलर कलर के लिए। देगी मिर्च है, गोल्डी देगी मिर्च। और इधर है अपना पनीर मसाला। ये देखिए भाईजान का फोटो है इस पर। ये देखिए गोटा मसाला थोड़ा सा डाला जा रहा है इसमें। लौंग है, केसर केसर है, काली मिर्च है, फूल है, सौंफ है। ये देखिए हमारा मसाला ब्राउन हो गया है। ये देखिए मसाला धीरे धीरे पक रहा, तेल छोड़ना चालू कर दिया है। इसको मसाला को पूरा बढ़िया से आप लोग भी घर में भूजिए। देखिए दोस्तों हो गया मसाला, अब डालते हैं इसमें दूध। अब दूध डाल करके इसको और पकाएंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, 5 मिनट दो। और उसके बाद इसमें डाला जाएगा पनीर। ये देखिए ये डाला गया है सूजी। अब डाला है जवाइन, डाला जा रहा है बेसन, सूजी, जवाइन, उसके बाद बेसन। ये सबको पूरी के अंदर में भरा जाएगा। स्टफिंग स्टफिंग भी है, स्टफिंग के लिए बनाया जा रहा है उसका मसाला। अब इसमें डाला जा रहा है थोड़ा सा घी, देसी घी। आप तेल भी यूज कर सकते हैं, पसंद है तो घी यूज करें, आप लोग का ऊपर है। अब हल्का पानी दे करके इसको साना जाएगा। ये देखिए मेरा स्टफिंग तैयार हो गया है।
इसको भरा जाएगा मैदा का अंदर में, उसके बाद कचौरी बनाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए हमारा मसाला पूरा भून चुका है, देख रहे हैं तेल अलग हो गया है। ये देखिए मसाला डाला जा रहा है, शाही पनीर, हल्का सा पानी दे दिए क्योंकि मसाला नीचे लगे ना, इसके लिए देखिए डाल दिए हम लोग पानी। आप लोग भी अपना फैमिली के अनुसार पानी डालें, जैसे आप लोगों को ग्रेवी को रखना है थिन या पतला, जैसा भी करना है आप लोग करें। देखिए डालते हैं आप पनीर, पनीर को डाल करके और 5 मिनट के लिए इसको पकाते हैं। ये हमारा मक्खन है, अमूल बटर है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा बना है। ये देखिए काटा जा रहा है लोई, इसका स्टेपिंग दिखाते हैं आपको कैसे भरा जाता है, आप लोग भी उसी तरीक़ा से भरे। एक बार इसे बनाए ज़रूर, बहुत ही बढ़िया बनेगा खाना आप लोग का। देखिए भरा जा रहा है, इसको कचौड़ी बोला जाता है, इसको कचौड़ी आप बोल सकते हैं। देख रहे हैं इसको सुनील बना रहा है, कितना ही तेजी में बना रहा है। ये देखिए पूरी बनाना चालू कर दी है, तेल हो गया है हमारा गरम, इसको डालते हैं। ये देखिए क्या मस्त पूरी हमारा फूल गया है। इसको पूरा तेल गरम होने पर ही डालें। निकाल देते हैं। देखिए हम बताइए हमारा पूरी कैसा हुआ है। हमारे यहाँ लाइन का बहुत प्रॉब्लम है बिहार में, देख रहे अभी लाइन चला गया। आप इस रेसिपी को घर में ट्राई करें, कितना फूला फूला हमारा कचौड़ी बन रहा है। ये देखिए कचौड़ी, ये दोस्तों हमारा बन गया है कचौड़ी, और ये रहा पनीर का सब्जी। आप लोग भी आइए खाने के लिए, वेलकम है आप लोग के लिए। मम्मी हम बाबू पुलाव, पापा तो अपना रोटी खा लिए हैं, हम लोग खाते हैं और आप लोग को बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ये देखिए टेस्ट बताते हैं, बहुत सुपर हुआ है। आप लोग भी अपना घर में ट्राई करें, पूरा फैमिली बच्चा का सब खाइए, इंजॉय कीजिए और खुश रहिए जीवन में। चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए
गुड नाइट नमस्ते प्रणाम।